नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतन और आप देख रहे हैं रतन ब्लॉग्स। तो गाइस आज के आपको नए वीडियो में स्वागत है, जहां पर गाइस मैं अभी फिलहाल आ चुका हूं फेफना जंक्शन, जो कि मेरे गांव वाला स्टेशन है। और वहां से गाइस हम लोग जा रहे हैं बनारस थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट के लिए। दादी का घूमने में नहीं जा सकते क्योंकि फिलहाल एक दिन का स्टे है, उतना मैं क्या ही घूमूंगा यार, हॉस्पिटल में ही रह जाऊंगा सारा का साथ। तो चलिए गाइस इस जर्नी ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा फेफना स्टेशन जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है भाई, पूरा बाप बन गया देखा जाए स्टेशनों का। ऐसा बात नहीं है, मतलब इसका प्लेटफॉर्म गाइस बहुत ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया यहाँ पर भाई। चार चक्का फोर्स कुछ भी ढुका सकते हो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, नहीं मत ढुका देना। उसके बाद गाइस हम सीधा पहुँच जाते हैं टिकट कटाकर फेफना के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ पर गाइस हमारी रेलगाड़ी भी आ जाती है। फिर थोड़ी देर उसके रुकने के बाद गाइस मैं थोड़ा चढ़ने का वेट करता हूँ, क्योंकि गाइस मेरे साथ थोड़ा सीनियर सिटीजन, इसलिए गाइस उनको नीचे बैठा देता हूँ और मैं फिलहाल ऊपर बैठ जाता हूँ, जहाँ पर गाइस मुझे सोने की भी जगह मिल जाती है। अब जैसे ही गाइस मेरी नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ गाइस हम लोग सीधा पहुँच चुके हैं वाराणसी सिटी स्टेशन, जहाँ ये गाइस स्टेशन गाइस वाराणसी जंक्शन के जस्ट 1 स्टॉप आगे है। तो गाइस यहाँ फिलहाल उतर कर गाइस मैं आपको इस स्टेशन के बाहर से कुछ व्यू दिखा देता हूँ, जो कि गाइस कुछ इस प्रकार दिखता है। तो यहाँ पर उतरने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है गाइस एक ऑटो खोजना, जो कि गाइस हॉस्पिटल तक लेके जाए। तो थोड़ी छानबीन करने के बाद गाइस हमें मिल जाता है एक बिना हेडलाइट वाला टोटो, जो कि गाइस हमें लेके जाता है सीधा उस हॉस्पिटल में। तो गाइस चलो इस रास्ते को आप एंजॉय करो। तो फाइनली गाइस हम लोग रास्ते को एंजॉय करते करते सीधा पहुंच जाते हैं इस वाले अस्पताल में। तो गाइस आप वीडियो को रोककर इसका नाम पढ़ लेना। तो गाइस यहाँ पर जो नियम होता है कि सबसे पहले जाएगा हमें लाइन लगानी पड़ती है टोकन के लिए, मतलब टोकन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलता है। उसके बाद गाइस टोकन का नंबर बोलने पर आपको मिलता है इस प्रकार का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम लोग भेज देते हैं दादी को महिला डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ लाइन बहुत कम थी। उसके बाद मैं चला जाता हूँ गाइस पुरुष डिपार्टमेंट में, जहाँ पर गाइस लाइन बहुत ज्यादा थी, इसलिए गाइस हम लोग थोड़ा चले जाते हैं मार्केट की तरफ। अब मार्केट घूमते घूमते गाइस हमें बहुत ज्यादा ही भूख लग जाती है, इसलिए गाइस हम लोग थोड़ी देर बाद कुछ फल लेने का सोचते हैं। तो भाई भूख तो बहुत ज्यादा चीज लग जाती है, लेकिन गाइस अभी मेरा ब्लड टेस्ट बाकी था, इसलिए गाइस हम लोग सीधा लेते हैं केला, क्योंकि केला खाने से ज्यादा कुछ हानिकारक नहीं होता, इसलिए केला लेके गाइस हम सीधा पहुंच जाते हैं अगेन अस्पताल में, जहां पर गाइस मेरा नंबर था 180 नंबर, यहां फिलहाल चल रहा है 165 नंबर। अभी 15 लोगों का वेट मुझे करना पड़ेगा। अब जैसे ही गाइस ब्लड टेस्ट करा के हम हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, तब तक चाचा जी को पकड़ लेता सर्दी जुकाम का कीड़ा। जब किस्मत खराब हो गया, अब क्या ही बोल सकते हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं, चीज के लिए आया था बनारस, वो फिलहाल हुआ नहीं, बाकी सब चीज हो गया। तो गाइस मैंने ब्लड टेस्ट तो करवा लिया, लेकिन उसका रिपोर्ट ही नहीं मिला, तो छोड़िए हटाओ। अब गाइस रास्ते में जाते जाते मुझे दिख जाता है गाइस 8 फ्लेवर वाला पानी पूरी का दुकान। तो गाइस यहाँ फिलहाल रुक कर गाइस हम डिसाइड करते हैं हमें बहुत सारा पानी पूरी खाना है। तो फिलहाल 8 फ्लेवर है, मतलब कि यार 2-2 पीस करके सबको खाना है। तो फिलहाल मैं हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, फिर भाई खाना शुरू कर लेते हैं। फिर पानी पूरी खाने के बाद गाइस हम लोग डिसाइड करते हैं गाइस हम लोग थोड़ा आसपास घूम भी लेंगे, थोड़ा बहुत नहा भी लेंगे किसी ना किसी घाट पर। तो गाइस यहाँ फिलहाल घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं ज्ञान वापी मस्जिद के पास। अब देखो भाई मैं तो ये फिलहाल कंफर्म नहीं कर सकता कि ज्ञान वापी मस्जिद है कि नहीं, लेकिन आप बता देना मुझे कमेंट में, क्योंकि मैं यहाँ फिलहाल पहली बार गया था, मतलब इससे पहले मैं एक बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर उस समय बहुत छोटा था। उसके बाद गाइस हम लोग थोड़ा बाजार वजार घूमते हैं, फिर भाई हम घूमते घूमते पहुंच जाते हैं सीधा काशी विश्वनाथ टेंपल के गेट नंबर 4 के पास, जो कि गाइस फिलहाल बंद पड़ा था। अब क्यों ये बंद पड़ा था गाइस मैं तो फिलहाल बता नहीं सकता, लेकिन अगर खुला रहता तो भाई अच्छा रहता, क्योंकि आसपास मैं अंदर घूम लेता। फिर गाइस हमें दिख जाता श्री काशी विश्वनाथ का टेंपल ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट में गाइस बहुत सारी सुविधाएं थी, सॉवरेन शॉप था, वेटिंग लगेज एरिया था, और बहुत सारी यहाँ फिलहाल मतलब हर तरह की सुविधा प्रदान की गई थी। अब क्योंकि यार हम लोग फिलहाल यहाँ घूमने नहीं आते, बस हम लोग को 2 घंटे का टाइम मिला था, क्योंकि शाम को ट्रेन थी, इसलिए गाइस हम लोग सीधा चले जाते दशाश्वमेध में घाट। अब यहाँ घाट पर जाने के लिए गाइस और 600 मीटर हमें आगे ही तरफ जाना पड़ता है लेफ्ट साइड में। तो फिर हम उसी रास्ते में निकल जाते हैं, जहाँ पर कैसे हम जाते जाते गाइस उस रास्ते में बहुत सारे बाजार, बहुत सारे मंदिर छोटे छोटे दिखने को मिलते हैं। अब बनारस की गली यार क्या ही बताऊं। फिर कैसे हम लोग आसपास घूमते घूमते सीधा पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर कैसे पहुंचते हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत से ज्यादा ही भीड़ है। मतलब कि यार मैं सोच रहा था कि यहाँ फिर सावन का दिन है, मतलब कि सोमवार का दिन नहीं है, भीड़ कम होगी, लेकिन यार सावन का दिन था इसलिए बहुत ज्यादा ही भीड़ था, मतलब सावन के महीने में बहुत से ज्यादा ही भीड़ थे। क्योंकि जब मैं बनारस के मेन सिटी एरिया में घूम रहा था तो गाइस इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, यहाँ फिलहाल आसपास ज्यादा लोग मुझे नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही गाइस मैं दशाश्वमेध घाट के आसपास आता हूँ तो गाइस यहाँ फिलहाल बहुत ज्यादा ही भीड़ दिख जाती है। सिर्फ यूपी बिहार के ही नहीं गाइस, यहाँ फिलहाल बंगाल, उड़ीसा, असम, भाई हर जगह के लोग इस घाट पर स्नान करने के लिए आए थे। अब हालांकि गाइस हमारे स्टार्टिंग में नहाने वहाने का प्लान नहीं था, क्योंकि हमारी 2 घंटे में ट्रेन थी, इसलिए गाइस मैं थोड़ा घाट में आसपास घूमना शुरू कर देता हूँ। और घूमते घूमते गाइस जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो गाइस देखता हूँ कि यहाँ फिलहाल बहुत ज्यादा ही भीड़ है। मतलब कि एक तरह तो बोट सर्विस भी चल रही है, जो कि गाइस आपको मतलब नाव पर बैठा कर पूरा घाट का दर्शन कराएगी। इसके लिए गाइस नाव वाले प्रति व्यक्ति 300 से 500 के बीच चार्ज कर रहे थे, और इतने रुपए में गाइस वो लोग आपको बनारस के लगभग सभी घाटों के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। मतलब कि यार वहाँ आपको 10-10 सेकंड का स्टे हो सकते मिलेगा, फिर भाई वो घुमा के वापस लेकर चले आएंगे। तो हम लोग गाइस ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसा चोड़े तो गाइस बजट भी इतना नहीं था कि हम लोग फिलहाल उतना ज्यादा घूम सके, क्योंकि हमारा मोटिव भी कुछ अलग था यहाँ आने का। तो फिलहाल आसपास मैं और घूमना शुरू कर देता हूँ, जिसमें सबसे मुझे पसंद आ जाता है ये वाला मंदिर, इसके डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद बगल में थी गंगा माँ की मंदिर, जिसको गाइस मैं बाद में कवर करूंगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा पानी में और नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर गाइस मैं सोचता हूँ कि फिलहाल पानी का स्तर इतना ऊंचा कैसे हो गया। तो फिलहाल पता चलता है कि अभी फिलहाल जुआर का समय चल रहा है और पानी का स्तर बहुत ही ज्यादा
ऊंचा था। बगल में गाइस ये वाला क्या बोलते हैं, फिलहाल इसको जूम करके पढ़ लेना। तो गाइस मुझे पता है आप इसको नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ। ये गाइस एक प्रकार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसका नाम है गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट सीवेज पंपिंग स्टेशन, जो कि गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के ऊपर ही बना है। तो गाइस आप सभी को पता है कि हम लोग फिलहाल आए हैं दशाश्वमेध घाट, जो कि गाइस क्यों फेमस, इतना ज्यादा क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ फिलहाल एक बोर्ड है जिसको गाइस मैं आपको रोक देता हूँ, तो आप इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ। ये फिलहाल ऐसा माना जाता है गाइस ये वही स्थान है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके कारण अगर आप यहाँ स्नान करते हो तो गाइस आपको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी कारण ये घाट गाइस काशी के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। तो गाइस इसी फल के यज्ञ को प्राप्त करने हेतु गाइस मैं भी फिलहाल नहा धोकर सबसे पहले तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद गाइस मेरे परिवार वाले भी नहाने चल जाते हैं। तब तक गाइस मैं आसपास के मनमोहक दृश्यों का आनंद लेता हूँ और पूरे अच्छे तरह से व्यू को एंजॉय करता हूँ। और यहाँ मेरे दादाजी फिलहाल नहा रहे, आप अगर देख पा रहे हो तो मैं फिलहाल देख पा रहा हूँ, मैंने इसीलिए जूम किया था। और आसपास गाइस जैसे शाम होने वाली रहती है, मतलब अभी फिलहाल 5 बज चुके हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होने लगती है। ये रहा गाइस प्रमुख मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। उसके बाद गाइस हम लोग शाम को आसपास घूम कर यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन भी थी, इसलिए गाइस हम लोग और रास्ते में जाते जाते और एक मंदिर दिख जाता है श्री गुरु बृहस्पति महाराज जी का। उसके बाद उस मंदिर पर नाम करके हम लोग रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर गाइस जाते हैं बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। तो हम लोग सीधा पहुंचते हैं न्यू स्टार भोजनालय में, जहाँ पर गाइस भेज थाली मात्र 80 रुपये में, जिसमें गाइस हमें मिल रहा था थोड़ा सा चावल दाल और रोटी सब्जी और थोड़ा सा भिंडी का सब्जी और थोड़ा सा अचार, जिसको गाइस खाकर मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। ओवरऑल खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी था, लेकिन गाइस रोटी बहुत ज्यादा ही मोटी थी। तो गाइस वहाँ से खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं स्टेशन की ओर, जहाँ से गाइस हमें जाते जाते अच्छा सा व्यू दिख जाता है। फिर रात को गाइस जैसे स्टेशन के पास पहुंचे तो भाई पता चलता है कि कोई भी ट्रेन यहाँ नहीं है, मतलब हमारी ट्रेन जस्ट 5 मिनट के कारण छूट चुकी है। अब भाई क्या करें, क्योंकि अगली ट्रेन गाइस सुबह को 5 बजे की थी, इसलिए गाइस मैं सीधा चला जाता हूँ बाजार में, जहाँ से गाइस मुझे मिल जाता है बनारसी लिट्टी चोखा, जो कि मात्र 10 रुपये का पर पीस पड़ रहा था। तो भाई सबके लिए मैं लेके आता हूँ लिट्टी चोखा, क्योंकि उसी खा के गाइस रात हमें गुजारनी थी। फिर हम सबको मिलकर खाते हैं, मैं भी फिलहाल खाता हूँ। टेस्ट गाइस ओवरऑल गुड ही था, मतलब 10 में 9 दे सकते हैं। उसके बाद खा गाइस चैन की नींद सो जाता हूँ और सुबह जैसे ही उठता हूँ देखता हूँ फिलहाल बच चुके हैं 4, मतलब बस 1 घंटे में हमारी ट्रेन है। तो बिना किसी देरी गाइस हम लोग सीधा पहुंचते प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर गाइस देखता हूँ मेरी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है। फिर उसी ट्रेन की विंडो सीट पर बैठ कर गाइस मैं घर आ जाता हूँ। अगर आपको गाइस बनारस का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नए वीडियो में।